गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो गए, अच्छे से ख्याल रख रहे हो गए अपना। तो गाइज आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है मेरे मम्मी पापा की 31 एनिवर्सरी और चलो उनको विश करते हैं। और गाइज शाम को कुछ फंक्शन रखा है और उनको बताएंगे नहीं, मतलब सरप्राइज है उनके लिए क्योंकि पहली बार हो रहा है यार उनका कुछ ऐसा फंक्शन। मतलब आज तक 30 साल हो गए उनका कुछ फंक्शन, मतलब एनिवर्सरी का कोई फंक्शन नहीं करा क्योंकि अब मेरा पूरा मन कर रहा है और अब मैंने कुछ सेविंग कर रखी थी तो वो मम्मी और पापा की एनिवर्सरी पर लगाएंगे। चलो फिर चलते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब सेलिब्रेट क्या, पहले विश करता हूँ और शाम को एकदम सरप्राइज देंगे तो अपने सारे मिलके इंजॉय करेंगे और प्लान करेंगे और कैसे कैसे होगा वो आपको सबको दिखाऊंगा। तो चलते हैं फिर अपने विश करने। तो चलते हैं नीचे, फिर मेरे पापा और मम्मी नीचे तो और साथ में मेरी मौसी जी और चाचा जी की एनिवर्सरी है उनको भी विश करेंगे। चलो चलते हैं फिर नीचे जी, अरे दोनों ही मिलेगा पापा और मम्मी। तो हैप्पी एनिवर्सरी पापा और मम्मी दोनों को। थैंक यू। तो हाथ तो हिला दो, हेलो तो कर दो। मम्मी का चेहरा छुपा दिया आपने हाथ हिलाने में। काम कर रहे हैं क्योंकि आज शाम को भाई और भाभी की खाना है हमारे घर पे। तो ये देखो दोनों मिलके पापा और मम्मी काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अच्छी बात है यार, पार्टनर की हेल्प करना जरूरी होता है। गाइस अपने चलते हैं गिफ्ट लेने, मम्मी के लिए मैंने कुछ बनवाया है तो वो लेके आते हैं और फिर आके अपने चलेंगे मौसी जी के घर। चलो चलते हैं फिर। पैक करवा लेते हैं मम्मी और के लिए, ये लिया कर रहे हैं पैक। गाइस मैं अभी मार्केट में आया हुआ था तो अपने कुछ भाई मिले हैं तो ये सब्सक्राइब करते हैं मुझे यार। तो यार बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ ऐसा कुछ यार। मतलब संगरिया का नाम रोशन होगा क्योंकि संगरिया के लड़के कुछ कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाय कह दो। हाय, बाय को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। गाइस गिफ्ट लिए हैं अपने, ये वाला गिफ्ट है और ये मम्मी पापा को शाम को देंगे अपने। तो अब चलते हैं मौसी जी के घर और वहाँ अपने खाना है सबका, मतलब भाभी आई है ना नहीं तो उनका खाना है वहाँ पे। चलो फिर वहाँ चलते हैं अपने और ये गिफ्ट लिए अपने रखते हैं अभी और शाम को फुल इन्जॉयमेंट होगा क्योंकि अभी मम्मी और पापा कोई भी नहीं है घर पर, मैं अकेला हूँ सिर्फ। तो मैं भी जा रहा हूँ तो सही टाइम पर मैं आया घर पर भी, किसी ने देखा नहीं। चलो चलते हैं अपने। सभी लगे हुए खाना बनाने, लो खीर डालो इसमें। और ये हमारे दोनों कुक अच्छा। मेरी मौसी जी को बहू की टेंशन है और इस वाली मौसी को अपनी लड़की की टेंशन है और मेरी मम्मी को घर की टेंशन है और चाची को किसी टेंशन है। चाची चाची को अपनी फोटो की टेंशन है, फोटो नहीं लेते यार प्रत्येक ब्याह में, प्रत्येक शादी में फोटो नहीं खींचते, ये टेंशन है चाची को। तो हमने इनकी टेंशन बता दी है। आप कमेंट करके बताना चारों में से किसकी टेंशन सबसे बड़ी है। बड़ी है मेरे को तो वो वाली टेंशन बड़ी लग रही है, वो बहू वाली, क्योंकि वो सूख रहे हैं। मम्मी के लिए फूल और वो सजावट वाला सामान ले रहे हैं, सब कुछ दिखाता हूँ आपको क्या क्या लिया है। गुलाब के फूल लिए यहाँ पर, वो रहे गेंदे के फूल, जैसे देखो ये अपना नहीं लिए। चलो ये फूल गए अंकल ने। तो गाइस सामान ले लिया, आप जब जा रहे हैं। आओ दादी, और हमारी दादी ने भी साथ में मिलकर करवाया इन्होंने। आ जाओ सारा ले आए हैं और अब करेंगे सजावट। लगभग सजावट हो स्टार्ट तो हो चुकी है, रिया ने और आशु ने और निकिता दीदी ने सजावट स्टार्ट कर दिया है। और चलो मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ और आपको दिखाते हैं क्या क्या सजावट करेंगे। तो आपको अच्छी लगी सजावट तो बताना कमेंट करके। चलो फिर इनकी हेल्प कराता हूँ।
कंप्लीट हो चुका है, इतना हर कार्य इतना कंप्लीट हुआ है। अभी अभी इस पर हैप्पी एनिवर्सरी वाला लगाएंगे, फिर पिक लेंगे अच्छी सी। अपनी डेकोरेशन लगभग मतलब अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है, मतलब हैप्पी एनिवर्सरी वाला लिखने वाला कंप्लीट हो चुका है। और अब अपने करेंगे थोड़े से मतलब फूल लाया हूं वो, और थोड़े से कलाकारी करेंगे, तो मिलते हैं अपने फूल का टाइम। अब लिखेंगे अपने नाम फूलों से, देखो इन फूलों से अपने नाम लिखेंगे और देखते हैं कैसा लगता है। चलो लिखते हैं फिर अपने नाम, एस और डी, मतलब एस मीन सुरेश और डी मीन दुर्गा, मतलब मेरे मम्मी पापा का नाम। चलो लिखते हैं। Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. आजकल सब कुछ रेडी हो चुका है, केक भी आ गया, मिठाई भी आ गई और डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये डेकोरेशन है, देखोगे गाइस बताना कमेंट करके तो आपको डेकोरेशन कैसी लगी। और रिंग भी आ चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ अभी मम्मी है, मम्मी और पापा को बुला के सभी को बुला के यहाँ पे इतना एंजॉय करना है। वो चलो उनका वेट करते हैं और फिर देते हैं सरप्राइज। ओके गाइस मिलते हैं कुछ ही देर में। सभी मेरे फैमिली मेंबर आज के सिर्फ मम्मी पापा को नहीं पता, अब हम मम्मी पापा को देंगे सरप्राइज और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। इस मैंने कुछ किया है छोटा सा फंक्शन, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी बुलाते हैं मम्मी पापा को, अब बुला के ला रहा हूँ। तो चले आप ऊपर, कुछ है आपके लिए सरप्राइज है, तो बताना आपको सरप्राइज कैसा लगा। आ जाओ, कैसे आ रहे मम्मी पापा। थ्री टू वन मांगो ही मिल गया। कित गई तो मम्मी पापा आ जाओ अंदर, आपके लिए सरप्राइज है। एक दो तीन हैप्पी एनिवर्सरी। तो गाइस फाइनली पापा मम्मी को रिंग पहनाएंगे और मम्मी पापा को रिंग पहनाएगी। चलो फिर इस मोमेंट को कैद करते हैं। यार मैं पूरा कांप रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि मैं पहली बार करवा रहा हूँ यार। चलो मैं इतना खुश हूँ, मैं बस रोने की कमी है और कुछ नहीं है। चलो फिर करते हैं कैद यार इस मोमेंट को। मुझको बस तुझसे कहना जी, वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज सा, फिर सबके सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ केक कटाना बाकी है। तो चलो केक कटाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं यार, फुल एंजॉय हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं मैं। चलो फिर केक कटवा करते हैं।
रे फकीरा, रे तेरी परछाइया, रे कबीरा सब कुछ हो चुका है और अब अपने करेंगे डांस। मम्मी पापा का डांस करवाऊंगा यार, बहुत ही अच्छा लगा यार, पहली बार ये हुआ है यार, मतलब दिल खुश हो गया। चलो फिर नीचे जाके डांस करते हैं और केक खाते हैं। चलो गाइस फायदा है जॉइंट फैमिली का, सारे मिलजुल के काम करते हैं, मतलब किसी बार वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। ये देखो अभी बात तो चली होगी कौन सा लड़का हैंडसम है। अरे मारी तो कहीं नहीं बात किसकी, गौरव की, गौरव की, सच में हो ही नहीं सकता, नहीं यकीन नहीं करता मैं। Times like all you
डांस भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, और अब इस व्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब डेली व्लॉग आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आ सकते हैं, मतलब मैं कोशिश करूँगा डेली व्लॉग आने लाने की। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।